सेटअप किया है। ये देखें यहाँ से पहला ये देखें माशाल्लाह। ये देख हम जा रहे हैं, ये देखें व्यू देखें आप। ये मैं हूँ, ये मेरा गांव है और ये बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी यहाँ तो नहीं हो। अगर बारिश हो तो हमें प्रोटेक्शन के लिए ये हमने अम्ब्रेला यहाँ पे सेट किया है, टेंट ऑलरेडी सेट किया है आज, क्योंकि देखें मौसम का जो है ना कोई भरोसा नहीं है। मौसम बिल्कुल अबरालू थे, इस वजह से हमने ये टेंट का इंतज़ाम किया है, टेंट हमने बिल्कुल सेटअप किया है। ये देखें यहाँ से व्यू साइड देखें, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। फिशिंग के लिए जो राट है वो सेट कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह फिशिंग सेट करते हैं। हमारा जो एक्सपर्ट है शाहजी है, ये बेहतरीन तरीके से फिशिंग के लिए सेट करते हैं राट। ये देखें इसको बल्टी में स्पार्टिन कहते हैं, यानी वो नहीं घास के अंदर जो कीड़े हैं वो बहुत कीमती हैं फिशिंग के लिए। मेन जो है ना हमारा आइटम यही है, यहाँ इसके बगैर फिशिंग नामुमकिन है। तो सबसे ज़रूरी ये देखें दूर से लेके आए, हमने आज काफ़ी मेहनत किया है आते हुए रास्ते में, कुछ सामान हमारे पूरे नहीं थे, हम सामान वहाँ से लेके नहीं आए थे। तो होप हमारा ये जो टूर है, हमारा ये प्रोग्राम है कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। ये देखें ये बेहतरीन तरीका है, अब तक चांस है कि इस पे कोई मछली आ जाए। बस अभी हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक एक राट हमने ऑलरेडी यहाँ सेट किया है। ये अभी 5-10 मिनट हो गए, कितना टाइम लगेगा तकरीबन? अब देखते हैं कि जैसे ही ये दिखाई देने आ गए थे स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना ये हरकत में आना शुरू होगा जो ही मछली आएगा, मछली के उसका साइन है करेंगे तो। ठीक है जी, ओके ओके। ये दो राट बिल्कुल रेडी है, एक यहाँ पे है और एक वो बिल्कुल यहाँ पे। तो तीसरा राट अली हसन वहाँ सेट कर रहे हैं और मैं काचों को देखूंगा टेंट के इंतजाम पूरा हुआ है नहीं हुआ है वो आपको दिखाता चाहूँगा। ये टोटल हमने 5 राट लेके आए क्योंकि हम 5 मेंबर हैं। क्रेस पे लिए हमारे बिल्कुल सामने, शाम का टाइम हो गया है दोपहर जोर का, तो सब लोग एक रॉड पे फिश लग गया है। आज लकी डे था, तकरीबन हमारे यहाँ पहुँचते 10 मिनट हो गए हैं। बेहतरीन पहला ये देखें माशाल्लाह, ये देखें
कामयाब फिशिंग किया है। फिशिंग के लिए हम काचू को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये देखें, चेक कीजिएगा फिश, ये कौन सा फिश है ये चेक करिए, चेक कीजिए। एक दो तीन चार पाँच, पहुंच चुके हैं दरिया के साइड पे। तक एक कामयाब हमने फिशिंग किया है, ये चौथा है, पांचवा और छठा। ओ बदकिस्मती की बात है, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहे है। ये देखें, ये बिल्कुल लकीली हम दरिया के इस तरफ हैं, तो ये जो है ना डस्ट हमारी तरफ मुश्किल से पहुँचेगा, क्योंकि पानी क्रॉस होते हुए ना ये डस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बाकी हमारी तरफ देखो बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त देखो हवा का जितना है, हवा चलना शुरू हो गया है, का दबाव सही ज़्यादा है। तो मौसम ख़राब हो रहे हैं, इसलिए देखे टेंट के अंदर आया हूँ। अदनान और लहसुन बिल्कुल टेंट के अंदर, बंद करो यार, चने खा रहे हैं। अभी हमने ब्रेक किया तो थोड़ा सा ये चना, हम चने खा रहे हैं। देखिए ये सफ़र में ख़राब भी नहीं होता और एनर्जी भी आपको मिलती है, इस वजह से ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं। इसको नीचे रख लीजिए, मुझे ये हवा की वजह से ना हमारा ब्रेक, क्या खा रहे हो, हल्का सा ब्रेक हुआ है। ये खिड़की नासिर, ये आप खिड़की बंद करें इधर से, यहाँ से मिट्टी आ रहे हैं, तो हमने ये वाला साइड ये वाली खिड़की हमने बंद किया है, फ्रूट का ब्रेक किया है। ये वहाँ पे हमारे सारे रॉड सेट हैं, वीडियो क्यों नहीं बनिया बढ़िया। Yeah.
दो शोभो तुम ए बंद तुम दो बंद तुम ले जिम्मत ना याद कर दो यार ले चाचू ना दुख से इतना ठहल बहुत सिचुएशन देखें इधर मट्टी देखें ये देखें ये हमारा बारिश की तैयार है तो तकरीबन ये सीन देखो हवा का देखो यस ये बंद ले हां लो से काफ़ी मुश्किल का सामना है। एयर टेंट क्लोज कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। इस वक्त देखो ये हर तरफ तूफान का समय है, काफ़ी बहुत ही मुश्किल दिन था आज हटने। ये देखो बहुत ही मुश्किल से हम अपने गाड़ी के पास पहुंच गए और ये हमारे साथ ही यहाँ से आ रहे हैं। इनके हालात ये देखिए, फाइनली वी रीच्ड। Guys, if you like, don't forget to subscribe. Salaam alaikum.